इंट्रोडक्शन बताओ अपनी मुझे। सर, गुड इवनिंग मैम. मैम, माय नेम इज रोहित कुमार. आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली. कमिंग टू माय एकेडमिक्स, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एफिलिएटेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन 2020. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आई एम प्रोफेशनली स्किल्ड एंथुजियास्टिक पर्सन, विच आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एट सी सी आर वाई एन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, विच इज द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड विच आई हैव बीन डेडिकेटेड एंड इफेक्टिव थ्रू आउट माई करियर. इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक. रोहित, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरोपैथी? मैम, नेचुरोपैथी इज बेसिकली मैम विच इज बिलोंग टू नेचर, एंड द मैम जिस चीज को मैम हम कोई भी डिजीज हो मैम उसको हम नेचर के द्वारा मैम ठीक कर सके. जैसे मैम आपका धूप सन और मैम आपका सॉयल हो गया मैम, वाटर हो गया मैम, उनके थ्रू हम उस पर्टिकुलर डिजीज को या फिर मैम पर्टिकुलर किसी जैसे मैम कोई जॉइंट पेन को भी मैम उस नेचुरोपैथी से हम ठीक कर सकें मैम. रोहित, टेल मी वन थिंग, यू जस्ट टोल्ड योर हॉबीज, कैन यू जस्ट स्पीक अगेन? यस मैम, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक मैम. हु इज योर फेवरेट आइडल? मैम रोहित शर्मा. व्हाट आर द ट्रेट्स व्हिच आर देयर इन हिम एंड दैट यू फील दैट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एन इंडिविजुअल एंड यू टू हैव दैट? मैम फर्स्ट वन इज टीम लीडरशिप स्किल, एंड सेकंड वन इज डेडिकेटेड टू द डेडिकेटेड टू हिज वर्क, एंड मैम वो मैम तीसरा मैम उसके अंदर मैम बहुत ज्यादा मैम अच्छा टैलेंट है. टैलेंट के साथ साथ में मैम वो अपने टीम को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है. और मैम अभी रिसेंटली मैं विद दी अंडर रोहित शर्मा मैम वी गॉट वर्ल्ड कप मैम. Right, as you told that the person has a leadership skills. You too acquire leadership skills. यस मैम. Past experience कहीं बता दो जहाँ पे you performed as a leader very well. यस मैम. मैम फर्स्ट वन इज मैनेजिंग मैन पावर एंड एज वेल एज मटेरियल इन दी एट द साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एंड सेकेंड वन इज सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉय, एंड मोटिवेट देम टू द टूवर्ड द कॉमन गोल ऑफ आवर ऑफ द कंपनी ऑफ फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन आयुष. इज कि मुझे कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताओ जहां पे आपने एज अ लीडर अच्छा परफॉर्म किया हो। दैट इज अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके मैम. नहीं, मैम ये डिस्प्यूट्स वगैरह का नहीं होता है मैम क्या लीडर्स के लिए? क्वेश्चन है, आपको लगता है आप एक अच्छे लीडर हो? आई आस्क्ड यू, कौन सा लास्ट टाइम था जब आपने एक बहुत अच्छा लीडर का रोल परफॉर्म किया है, प्ले किया है? यस मैम. मैम यस मैम. मैम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था. कंस्ट्रक्शन में मैम उस समय कंस्ट्रक्शन होने के समय पे मैम तेज बारिश आ गई. बारिश के समय मैम क्या हुआ कि हमने जब हम कास्टिंग कर रहे थे मैम स्लैब को, स्लैब कास्टिंग के टाइम पे मैम उस समय पे हमें जल्द से जल्द कास्टिंग करना था. मैम विद इन हमारे पास में जो मैन पावर और मैम लेबर था वो मैम बहुत ही एज मतलब हमने इस सिचुएशन को मैम पहले सोचा नहीं था कि सडनली बारिश आ जाएगा. तो मैम उस लिमिटेड मैन पावर पे मैंने पर्टिकुलर टास्क को मैम बारिश आने से पहले पहले मैम उसको कंप्लीट कर दिया, जिसके वजह से हमारा मैम बहुत ज्यादा कॉस्ट और मैन और मटेरियल और मैम साथ साथ में जो नुकसान होने वाला था बारिश के कारण वो भी बच गया मैम. कितने लोग की टीम थी वो? मैम स्लैब था मैम आपका मैम 30 मीटर बाय 10 मीटर का मैम स्लैब था. हम ऊपर मैम कास्ट कर रहे थे और मैम हमारे पास में मैम कितने लोगों की टीम थी? मैम 10 लोगों की टीम थी मैम. 10? आई गिव यू अ यस मैम. नंबर, 50 पीपल। मुझे बताओ, 50 लोगों की टीम अगर मैं देती हूँ आपको, एक प्रॉपर लोग देती हूँ आपको, कैसे उनको हैंडल करोगे? क्या आपके लीडरशिप रोल्स होंगे उस टाइम पे?
मैम पहले मैम सबका मैम स्पेसिफिक टास्क असाइन करूंगा कि उस बंदे का स्पेसिफिक टास्क होगा, और मैम साथ साथ में उस टास्क के साथ में मैम उसको मॉनिटर करूंगा कि वो सही ढंग से टास्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर वो नहीं कर रहा है तो मैम उसको जो जिस टास्क के लिए अगर वो सुटेबल है, मैम पहले तो मैम सबका इंटरेस्ट देखूंगा कि कौन किस टास्क के लिए अपना मैम खुद से इंटरेस्टेड है कि मैम पर्टिकुलर मैम उस बंदे को अपना टास्क चाहिए। तो मैम अगर इन केस अगर कहीं फेलियर होता है तो मैम वो उस पे मैं स्विच करवा दूंगा मैम कि रिप्लेस कर देंगे मैम, वो उस बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे पे करवा देंगे मैम। 50 लोगों से सिंगल हैंडेडली करोगे आप डिस्कस ये सारी चीजें, एक एक करके मैम 50 लोग? सुपरवाइजर, मैम सुपरवाइजर रखेंगे मैम उनके ऊपर कितने सुपरवाइजर रखोगे? तो मैम 50 के मैम 2 सुपरवाइजर इनफ है मैम। सुपरवाइजर इनफ है? यस मैम, 25 25 के ऊपर आप 2 सुपरवाइजर रख रहे हो, मैम यस और वो मैम आप इस सिंगल सिंगल से वो भी कर लेंगे। रोहित यस एक मैम याद रखो, आंसर्स जो आप दे रहे हो ना अभी, दे आर नॉट गुड। ठीक है, बहुत कम टाइम है, मैं आपको सिर्फ आज गाइड करूंगी, कल प्रिपेयर होके लगाओ। लास्ट डे है कल आपका, प्रिपेयर यस मैम करके लगाओ। आप बहुत जनरिक क्वेश्चन देखो, पहले तो जब इंट्रो देते हैं रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, प्रोफेशनली स्किल एंथुजियास्टिक नहीं होता है, एंथुजियास्ट होता है। अगर तो बोला जाएगा तो बोलना, नहीं तो मत बोलना, पता चल जाएगा वहीं पे कि इसने रट्टा मार के आया है। ये राइट ठीक नाउ है यू मैम, टोल्ड इट, और मैंने वही वर्ड एग्जैक्टली लिखा, एंथुजियास्टिक पर्सन, गलत है यस वो। मैम ठीक है, जब आप बोल भी रहे हो इंट्रोडक्शन, इतना अटक अटक के डर डर के बोल रहे हो, आई डोंट नो, वो शाइनेस नहीं आनी चाहिए। बहुत कंफर्टेबली पॉज लेके, स्पेस लेके बोलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रोहित, आई कम फ्रॉम सिटी दिस, आपकी सिटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जरूर आपसे पूछेंगे अगर इट इज देयर कि कहाँ से बिलोंग करते हो, या कुछ अगर इफ दे हैव अ गुड टाइम, लाइक सपोज योर इंट्रैक्शन गोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें सिटी की डिस्कशन आती ही आती है। तो आपका कोई एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है आपकी सिटी का, आप कोई बताना चाहोगे, आपको कोई फेमिलियर हो, इस तरह से चीज पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है मैम, आई कम फ्रॉम सिटी दिस, कमिंग टू माई अकेडमिक्स, आई हैव डन दिस टिल नाउ, आई एम अ फ्रेश प्रोफेशनल स्किल एंथुसियास्ट, आई आल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस सेक्टर फॉर 3 इयर्स। आप वहां पे एंड करोगे जहां पे आप चाहते हो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे। हॉबीज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, वेरी इजी, क्रिकेट है, और आपने सिंगिंग वगैरह शायद बोली है, म्यूजिक मैम, म्यूजिक बोल रहा, वो कोई यस वो मैम नहीं है कि जैसे आप बोल रहे हो कि स्टार का डिफरेंट सी हॉबीज आते हैं जिसमें हम डिस्कशन कर पाए। कई एक हॉबीज होती है जैसे कि होता है कि मैम आई एम फुल टाइम इनटू दिस इज योर पॉडकास्ट, आई इवन डू दैट, मैं करता हूँ, या फिर मैं पॉडकास्टिंग पे आ जाता हूँ तो उस पे आता है, अच्छा कैसा पॉडकास्ट सुनते हो, ये चीजें आती है। म्यूजिक एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। और वही रोहित शर्मा पे आपने इतना वो दे दिया, मैम उसमें लीडरशिप स्किल है, उस पर एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स पीपल की, उसकी वजह से हमने जीता था, इतना नहीं हमने वो होना, पैशनेट होके इतना नहीं करना कि आप पे काउंटर क्वेश्चन आए, आपसे लीडरशिप स्किल के क्वेश्चन पूछा आप वो नहीं समझ पाए। क्वेश्चन क्या था, आप कहाँ पे एक अच्छे लीडर थे, आपको एक स्टेज बतानी थी, आप क्या यस शुरू कर मैम दिया, आपने कुछ और बताना शुरू कर दिया। फिर आपने, आपको ये बोलना है कि मैम देयर वाज अ टीम ऑफ 10 पीपल, जब मैं पूछूं कि आप लीडर कैसे अच्छे हो, तो पहले आप बताओगे ना हम 10 लोगों की टीम थी, 10 लोगों में मैं हेड था वहां का, मैंने उस टीम को सुपरवाइज किया, मैंने टास्क को डिवाइड किया, दैट वाज अ टास्क अलॉटेड टू अस, मैंने अपनी डेडलाइन को मीट किया प्रॉपर। आपको ये चीजें करनी होती है, सपोज मैं लीडर हूं तो मैं क्या क्या चीजें टिक 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 कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक 10 लोग है की टीम आ जाती है, तो ये नहीं होगा मैं एक एक बंदे से बात नहीं करूंगी कभी भी, आप देखना ना किसी भी ऑफिस में ये नहीं होगा कि अगर 50 पीपल अंडर काम करे, एक बॉस है वो बॉस सबसे बात कर रहे हैं, अच्छा आप कहाँ पे स्पेशलाइज हो, कहाँ पे स्पेशल, नो इट इज, आप 50 लोगों को, मैम आई विल डिवाइड द 50 पीपल, सपोज इट विल बी, आप डेलीगेट करते हो काम को अपना। ठीक है, ये भी मुझे पूछना पड़ा कि आप 50 के 50 लोगों से, नहीं नहीं मैम फिर हम सुपरवाइजर रख लेंगे, मैम उनको मैं 5 टीम्स बना दूंगा, 10 टीमों का एक 10, आपने कितना हेड किया था, 10 लोगों को किया था ना, इन नहीं केस मैम, यू, मैम जब मैं ब्रांच मैनेजर था मैम, तो मैम उसमें मैंने मैम 90 पीपल्स को हेड किया था मैम, जिसके ऊपर मैम 2 सुपरवाइजर थे मैम, एक डीएमसी मैम होता था मैम, कि वो भी सुपरवाइजर की तरह ही एग्जाम्पल एक्ट। वही आपने एग्जाम्पल देना होता है, एसओपी बताने होते हैं कि मैम पहला होगा कि हम उनकी स्पेशलिटी के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दें, सपोज 50 है आप 2 में कर लो, 5 में कर लो, 3 में कर लो, अप टू योर, आपने सिर्फ एक समझाना है, आप एग्जैक्ट किसी में नहीं बता रहे उनको, है ना। इट इज यस लाइक मैम सिंपली मैम इट इज अबाउट अ डेलीगेशन ऑफ वर्क, मैं एक अंडर सुपरवाइजर या 2 चीजें या 5 रखूंगा, मैं सभी लोग अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो मेरे को रिपोर्ट देंगे आगे से, एक सिस्टम भी हमारा ऑपरेट होगा, हम कंप्लीट डेडलाइंस रखेंगे, डिस्कशन मीटिंग्स होंगी, सब कुछ ऐसा होगा। इन केस कोई लैप्सेस होता है मैम, आई विल कीप अ ओपन स्पेस कि कोई मुझसे आके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आई विल ऑलवेज कीप एन ओपन एनवायरनमेंट, कि आप कैसा लीडर बनोगे, आप ओपन एनवायरनमेंट वेलकम करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये क्वेश्चन में आता ना कि हम ओपन एनवायरनमेंट भी रख रहे हैं, यस मैम हम टीम को पार्टिसिपेशन में भी कर रहे हैं, हम डेलीगेशन भी कर रहे हैं, हम टीम वर्क भी कर रहे हैं, दीज आर द रूल्स ऑफ टीम लीडर, जो आप बता रहे हो टीम लीडर के रूल्स नहीं है, क्लियर?
क्वेश्चन को समझो, दैट इज इट इज नॉट नीडेड कि आपने कितने लोगों में डिवाइड किया, इट इज ऑल इट इज नीडेड इज कि आप कितना माइंड से आप आंसर दे रहे हो, लॉजिक कितना प्रेजेंट करो, उसमें भी ब्रेनस्टॉर्म करके पॉज लेके आंसर बोलना, ये का टास्क होता है। एचआर इज ऑल अबाउट दैट थिंग। एचआर ये नहीं होता कि कोई रट्टे रटाए क्वेश्चन करने होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला होगा शायद, कोई फिक्स किस बात क्वेश्चन नहीं होते एचआर के। एचआर इज जो बोल रहे हो वहां से क्वेश्चन निकल रहा है। आपने रोहित शर्मा की बात की, आपने टीम लीडिंग की बात की, तो मैंने लीडर का क्वेश्चन पूछा, शायद मैं कुछ और पूछती, और ये भी यस मुझे मैम रोकना पड़ा क्योंकि आपका हर आंसर ही गलत जा रहा है एक तरह, उससे नहीं इंटरेस्ट आएगा। अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, दोबारा लगाओ, कल लगा लो, जाए परसों है ना इंटरव्यू। यस मैम कल हाँ कितने बजे मैम? कल, लेट मी चेक द टाइमिंग। कल PM इज ओके फॉर यू रोहित? 3 बजे तीन बजे करते हैं, ठीक है? इफ देयर इज लाइट चेंज, मैं आपको प्रीति मैम से मैसेज करवा दूंगी। 3 का 3:30 करना होगा तो, ठीक है? ठीक है ठीक है ओके मैम। चलो, ओके रोहित। मैम ये पूछ रहा था मैम कि जैसे मैम आपने पूछा मैम ये तो मैम इस काउंटर क्वेश्चन का मैम कैसे रिस्पांस देना मैम पॉजिटिवली जिस तो मैम अच्छा इम्पैक्ट पड़े मैम इंटरव्यूअर पे कौन सा काउंटर क्वेश्चन? जैसे मैम आपने पूछा मैम उस तरीके से मैम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नहीं समझ पा रही मैम मैं। जैसे कि मैम आपने पूछा कि इस लीडरशिप स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए मैम या फिर कोई एक मैम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे आया तो मैम तो उसको कैसे टैकल करना है मैम। उसके लिए तो मैं बोल रही हूँ ब्रेनस्टॉर्म, पहले 5 सेकंड पॉज लिया करो हमेशा, कोई क्वेश्चन को अपने माइंड में फ्रेम तो करके देखो एक बार। आपने फ्रेम ही नहीं किया, आप जल्दी जल्दी करते हो आंसर देने का, वो क्यों करना है? इससे अच्छा 5 सेकंड ठीक वे कर लो, बल्कि आंसर अच्छा दो, लॉजिक मैम प्रेजेंट करा करो, फैक्ट्स ढूंढा करो कि ये फैक्ट में क्या, वो क्यों पूछना चाहेगा कि टीम लीड करना चाहते हो कि नहीं, कि ताकि फ्यूचर में इनकेस यू आर सिलेक्टेड आप कैसे करोगे टीम लीड को, ये रीजन होता है। यस ये मैम नहीं होता कि आपको कोई इंटेलिजेंस चेक हो रही है, इफ इंटेलिजेंस मस्ट चेक तो आपका एग्जाम हो चुका है, ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हुए हो। अब क्या यस है, मैम पर्सनैलिटी है आपकी इवॉल्व, कि आपको रखा जाता है लोगों के बीच में, कैसे करोगे, ठीक है? यस मैम एक मैम 5 सेकंड पे पॉज पे मैम कोई मैम प्रॉब्लम मतलब उनको मैम दो नेगेटिव सेकंड इंपैक्ट तो नहीं मैम, जाएगा काइंडली गिव मी काइंडली, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, काइंडली लेट मी, यू कैन से स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, काइंडली लेट मी थिंक अबाउट इट, तो वो करने देंगे आपको। 5 सेकंड इज लाइक वन, हो गया खत्म, बहुत लंबे नहीं होते 5 सेकंड, ठीक है मैम 5 मिनट ही बोला मैंने, 5 सेकंड बोला है। नहीं मैम मतलब आप सोच मैम ये हाँ 5 सेकंड सोच के ही मैं अभी ज्यादा हर जवाब दूंगा क्वेश्चन अगर आप करोगे, हाँ किसी में हो गया प्रॉम्प्ट आंसर दे रहे हो, किसी में आप क्वेश्चन सोचोगे भी, हम लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, मैम ओके लेट मी विजुलाइज दिस थिंग, मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी डू सम काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट। जब हम करें, मैम काइंडली अलाउ मी टू डू दिस, काइंडली अलाउ मी टू थिंक फॉर अ मिनट, दे विल बी डूइंग इट आउट, क्या दिक्कत है उसमें? वो नहीं कह रहे कि क्वेश्चन पूछा साथ में आंसर बाकी, नहीं चाहते हम, ठीक है? ठीक है चल ओके रोहित, ठीक ओके है, थैंक ऑल यू द बेस्ट।